अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज लाहौर समेत सूबे भर में शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ अमल। रवां साल में अब तक मजमू तौर पर 11 लाख से जायद शहरी पुलिस खिदमत मराकज से पॉलिसिंग सहूलियात हासिल कर चुके हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की पेश करदा दरख्वास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 76,072 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,165 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 56,454 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,035 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 905 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। मियांवाली थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हरनोली के रहायशी कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। खानेवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 साल आर्यन के अगवा में मुलविस दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। टोबा टेक सिंह पुलिस की जानिब से हीट वेव रिलीफ कैंप का इनेकाद। कैंप में शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ठंडा पानी तकसीम किया गया। पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज लाहौर समेत सूबे भर में शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ अमल। रवां साल अब तक मजमू तौर पर 11 लाख से जायद शहरी पुलिस खिदमत मराकज से पॉलिसिंग सहूलियात हासिल कर चुके हैं। गुज़श्ता माह 2,40,000 से जायद शहरियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में पुलिस सर्विसेज हासिल की। 57,400 शहरियों ने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल किए। 1,23,000 शहरियों ने जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करवाई। 3,000 से जायद शहरियों ने निजी मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई। 15,600 शहरियों ने किरायादारी इंदराज करवाया। 1,800 शहरियों ने व्हीकल्स वेरिफिकेशन करवाई। 14,000 से जायद शहरियों ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट हासिल किए। 500 से जायद ने जराइम रिपोर्ट। 6,000 शहरियों ने दस्तावेजात के अंदराज गुमशुदगी करवाई। 9,331 शहरियों ने FIR की कॉपी हासिल की। 1 शहरी ने वुमेन वायलेंस रिपोर्ट दर्ज करवाई। कमजोर तबकात के तहफ़ के लिए जारी इकदाम में 9,290 अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़ फ्राहम किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना की मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना की पेश करदा दरख्वास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर्स मुनव्वर हुसैन अब्दुल करीम, कांस्टेबल शौकत अली मरहूम के बेटे कांस्टेबल लतीफ़ अब्बास और डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के 5 वायरलेस ऑपरेटर्स की दरख्वास्तों पर रिलीफ फ्राहम करने के अहकाम जारी किए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमू तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमू तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 95, पंजाब यूनिवर्सिटी 88 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 75 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पे जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।